बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। की हाल है ब्रावां दा? ठीक हो ब्रावां? आज मैं जिस मौजू ते लब कुशाई करन लगा, मैं इस काबल ते नहीं, इतने जोगा भी नहीं कि इतने वड्डे अल्लाह दे वली, अल्लाह दे सूफी बुजुर्ग ते मैं गल कर सकां। पर चूंकि मेरा प्लेटफॉर्म है और मैं गल करनी पौंदी है, इस वास्ते अज मैं गल कर सां हज़रत अलामा शेख अल हदीस शेख अल इस्लाम जनाब खादम हुसैन रिज़वी साहब ते। मैं मेरे को अल्फाज भी नहीं, मैं कि अल्फाजा में उन्होंने याद करा और उन्होंने खराज तहसीन पेश करा। अज मैं थोड़ा जहा दुआनू उन्होंने बारे दस के गल करके ते थोड़ा अपनी गल नो एक मौजू ते लैके जावांगा। लामा खादम हुसैन रिज़वी साहब 22 जून 1966 निक्का तूत नामी पिंड अटक विच उत्थे पैदा हो। आप दे वालद दा नाम हाजी लाल खां है। आप एक शरीफ घराने नाल तलक रखते हैं। चंद जमातां इब्तदाई तलीम तो बाद आप दीना और जेलम दे इस्लामी मदारस जेड़े उन्हां तो आपने इस्लामी तालीम हासिल की। उस तो बाद आप लाहौर तशरीफ लै गए ते लाहौर दे जामिया निज़ामिया तो आपने अपनी तदरीस का काम मुकम्मल किया। आपनों फारसी जुबान अरबी जुबान इधर ते बड़ी क्रेप हासिल आई, और बल्कि पिछली तहकीक जो मैं कुछ वीडियो पेंदा ही पे अबा अरबी उत्ते जितने मतलब वड्डे अरबी दे आलम आन अरबी जुबान दे और कुरान दे और कुरान नो तर्जमे नाल फिर माशाल्लाह। आपने एक दो बार चैलेंज भी किया वा मेरे मुकाबले का कोई बंदा है तो उरा ले आओ जेड़ा हाफिज़े कुरान भी होवे ते मुण तर्जमे नाल एक एक हदीस तो एक एक आयत नो जानदा वा। खैर उस तो बाद आप खिताबत नाल और अपना अबू ज़र गफारी उन्हां दा मदरसा लाहौर वो भी तुसीं जानदे हो ते लाहौर मस्जिद चो खतीब दे हवाले नाल अपनियां खिदमात सर अंजाम दित्तियां। लेकिन चूंकि तुहानूं पता है साडियां सुनियां दियां ढेर बड़ियां होर तनजीमां ने जमातां ने सियासी जमातां ने ते आपने कोई मतलब मेन ऐसे एज इट इज़ प्लेटफॉर्म ते ना आए, लेकिन आपकी जिहड़ी सब तो ज़्यादा शोहरत आपनूं हासिल हुई है, आप एक चीज़ जिथे आपने स्टैंस लिया वो आई मुमताज़ कादरी साहब की शहादत। उन्होंने जो गौरमेंट का फैसला आई है उन्होंने जनाजे उत्ते आपकी जी तकरीर और आपका जोड़ा स्टैंड आई मुमताज़ कादरी वास्ते उस तो आपनों बड़ी शोहरत हासिल हुई, और फिर जोड़ा वो बिल आ गया खत्म नबूवत दे हुकूमत का जोड़ा कानून है साढ़े मुल्क चो तरमीम का, जिस तरह आप डटे जिस तरह आप एक मर्द मुजाहिद आप अपने आप न हजूर नबी अकरम हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चौकीदार सददे हैं, और उस चोन पर कोई शक ही नहीं रहा वा। हूँ तो जितने भी पै स्टेटस रखिए और जितना भी पै उन्होंने डी पियाँ लाइए तरीके तालिबान तो लैके अगर तोड़ कोई ऐसा फिका नहीं या कोई ऐसी शोभा नहीं जिन्हें तजियत नहीं की अखे की है जी सन उन्होंने अकीदे नाल इतराज़ आ उन जो अपने इस मतलब मौकफ ते बड़े ठीक आनी है जो भी है, लेकिन हकीकत है बजे थले उन्होंने धरना आई केड़ी मुसीबत है 2017 में या केड़ी तकलीफ है जी। एक मजूर बंदा मजूरी की भी मैं गल दसा एक एक्सीडेंट वेच आप शुरू तो मजूर नहीं एक एक्सीडेंट वेच ही रोड एक्सीडेंट चो आप दियाँ मतलब आप मजूर होए और फिर सारे तो बिना चल नहीं सकते। दो बेटे आप दे मेन अगे हर मिशन चो नाल ने साध बाई का तो दुन अगे पता भी है लग गया बाओ सर भरा ने तारीख दे। एनीवे 2017 ही ना सिर्फ गल्लां मनवाइया ना सिर्फ वो बिल चो तरमीम होने तो डकिया जने का पुत्र पिड़े वेच रहा आख्या बा ये नहीं बा सियासतदाना अर बवाम तो नहीं छड़िया तुसी मरीव हो तो मैं घर बना आप पिड़े च रहा जवान का पुत्र कितनी शैलन कितने जुलम की नहीं हो जरा बर्दाश्त नहीं किया। फिर बेसाबे आपते केस और कादरी साहब की शहादत उत्ते जोड़ा आपका मौकफ है उसे आपने महकमा औकाफ की उस नौकरी तो हटा दिता कि ज्यादती नहीं की गई हर तरह, लेकिन आप इतने सख्त और इतने अपने मौकफ के पक्के आन के घट बावा इंज के पुत्र जमदियाँ कितनी तारीफ करा घट है। उस तो बाद मुन दोबारा हूँ जोड़ा फ्रांस वाला वाक्य है वो उत्ते आप मुन दोबारा आ गए बड़िया सियासी पार्टियां आपनों अप्रोच किया क्या साडा एजेंडा लैके चलो एजेंसियां पैसे देने की कोशिश की सारा कुछ, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ हजूर नबी अकरम हज़रत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे
गुलाम ने और उन्होंने मिशन में लैके चले और सुनी जेड़े मैं अगे खच्चे तो आना सी सुन होए पै आसे किसी चंगी माड़ी तो मुलक दियां मामलात चो नहीं बोलना मजहब दियां च नहीं उन्हें सानू एक नई रूह फोंक दिती और सुनिया इताद मुतहद कर दिता और आपका जनाजा जिमें इमाम अहमद बिन हंबल की गल बड़ी अजकल कोर्ट हो रही है बस साडे जनाजे फैसला कर सन कौन हक ते कौन नहीं ते पाकिस्तान की तारीफ का सब तो वड्डा जनाजा आपका और फिर मतलब सब तो वड्डी गल है कि मैं अफसोस नाल आखना पौंदा है बा फ्रांस का सफीर तो मजबूरियां की वजह तो हुकूमत वापस नहीं भेज सकी लेकिन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सफीर वापस बुला लिया यकीनन वो जनती ने अल्लाह पाक उन्होंने करवट करवट जन्नत अल फिरदौस जो जगह ता फरमाए और उन्होंने पैरोकार उन्होंने नाते उन्होंने मनन उन्होंने नाते अल्लाह पाक साड़ी जिंदगी इस दुनिया च भी आसान करे और साड़ी आखरत चो बख्शिश फरमाए और अल्लाह पाक सन खत्मे नबूवत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आखिरी नबी होने दा जेड़ी हर माज़ उत्ते साने दा सिपाही बनाए और इहदी हिफाजत करने दी तौफीक अता फरमाए और अलामा साहब जेड़ा एक मिशन इस दुनिया छड़ गए नूं अगे लैके चलने दी तौफीक अता फरमाए। वीडियो बड़ी लम्मी पी हुंदी है हुकूमतां दी अपने अपन मजबूरियां हुंदियां FATF वाली तलवार इज़राइल इंडिया इन्हां दी वजह तो साढ़े सिरे ते लमकदी पई बस सानू ब्लैकलिस्ट कीता जाए सन हर चीज़ तो सानू पाबंदियां लग जाण बैन कर दिता जाए। फ्रांस को उस चीज़ा साड़ी हमायत की है टूरिज्म चो खास करके और चीज़ा साडा मौका इस तो कुछ मजबूरियां ने मे भी हुकूमत जो भी फैसला करे उन्होंने पता है लेकिन मेरे भाइयों मेरी रिक्वेस्ट है कानून हाथ चो नहीं लैना कानून के अदारियां के अंदर रेंद्या होया असी इंशाल्लाह ताला हर माज़ ते हर जगह ते डटा दे अल्लाह पाक साढ़े ते अपने रह फरमा वसलाम।